नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और आंदोलन जो किसानों का है वो लगातार जारी है। हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है जो कि 26 के परेड में भी शामिल थे, लगातार बॉर्डर पे भी डटे हुए। जो कुछ मामला हुआ, जो कुछ 26 जनवरी में लाल किला पर जो झंडा फहराने की मामला सामने आया, तमाम मुद्दों पर मोहित शर्मा से बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं मोहित शर्मा, जो कुछ हुआ उसकी तो निंदा होनी चाहिए, घोर निंदा होनी, क्योंकि जो देश है वो शर्मसार हुआ है 26 को। देखिए, देश को अगर दंगे से बचाना है तो इंटरनेट नहीं, देश की मीडिया को बैन करना चाहिए सर्वप्रथम। अगर मैं आपको बताऊं, आप एक बात मुझे बताइए, देश की तमाम मीडिया ये तो खबर दिखा रही है कि किसान जो कि देश के जवानों को परेशान कर रहे हैं, उनको कभी मार रहे हैं कभी पीट रहे हैं, लेकिन देश की दलाल मीडिया ये तस्वीर नहीं दिखाती कि जब एक आर्मी ऑफिसर चोटिल होता है तो उसको बचाने के लिए देश के किसान आगे आते हैं। और इसी ट्रैक्टर मार्च के चलते आपने देखा होगा कि एक बेटा और एक बाप, बेटा जो कि दिल्ली पुलिस में है और उसका पिता उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आता है, देश की मीडिया ये नहीं दिखाती। क्योंकि अगर देश की मीडिया ये दिखाएगी तो वहां बैठे जो लोग हैं उनके मन में किसान के प्रति और देश के जवान के प्रति जो भावना है वो भावना अच्छी उत्पन्न हो जाएगी ना। जो कुछ हुआ वो किसानों से उम्मीद नहीं किया जा सकता था, उम्मीद नहीं था कि इस तरह का मामला। देखिए सर्वप्रथम अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देश का वो किसान जिसको लगातार बदनाम किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, वो देश का किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। आप एक बात मुझे बताइए, वो देश का किसान जिसके हर एक ट्रैक्टर के ऊपर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या राजस्थान बॉर्डर हो, हर एक ट्रैक्टर के ऊपर देश का तिरंगा, वो देश का तिरंगा जिसे सर्वप्रथम देश में रहने वाला हर एक नागरिक अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, वो तिरंगे को कभी अपमानित नहीं होने दे सकता। वो तिरंगा हर एक किसान के ट्रैक्टर पे लगा हुआ था। अगर देश के किसान के प्रति, उसके तिरंगे के प्रति उसमें कोई शर्मसार वाली बात होती तो क्यों किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा लगाता? शर्मा, आपने तिरंगा नहीं फहराया, आपने धार्मिक झंडे को फहराया लाल किले के ऊपर। किसने फहराया है वो? किसानों, किसने फहराया है? कौन किसान, कौन किसान जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए थे, वो किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए जिसने तिरंगे झंडे को वहां पर झंडे को लहराया ना, आप देखिए वो है दीप सिंधु। कौन दीप सिंधु है जानते हैं? वो दीप सिंधु जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सनी देओल के साथ उसकी फोटो वायरल है, अमित शाह के साथ उसकी फोटो वायरल है, वो दीप सिंधु जिसने सनी देओल का इलेक्शन कैंपेनिंग में भी उसका साथ दिया। और सनी देओल जब उसकी प्रशंसा करते हैं वो आप नहीं पूछते, आप ये जरूर पूछ लेते हैं कि सनी देओल ने क्या ट्वीट किया है। आप एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर जो घटना हुई, अगर सरहद पर हमारे देश का जवान, आगे बाद में आएंगे, सनी देओल ने साफ कह दिया कि वो न तो मेरे परिवार से है, वो न तो मेरा कोई रिलेटिव है, न उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो साफ कह दिया। तो एक बात मुझे बताइए, देश के आपके पंजाब में रहने वाले किसी किसान के साथ तो आपकी फोटो है नहीं? आपने कभी मुलाकात करी है सनी देओल से? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। आपकी कभी मुलाकात हुई है हेमा मालिनी से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री से? तो जब आप नहीं मिल पाए तो वो, अगर आप कहते हैं कि वो कुछ नहीं है तो वो सनी देओल से कैसे मिल लिया? जब वो सनी देओल को जानता होगा, उसके लिए काम किया होगा, उसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग किया होगा, तभी तो सनी देओल के साथ जानबूझ के ये साजिश किया गया। क्या मेरी फोटो तो नहीं है सनी देओल के साथ में? है जानबूझ करके इस तरह की, निश्चित तौर पर प्रायोजित ढंग से किया गया, ये सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से और अच्छी तरीके से सोच समझकर देश की सरकार के द्वारा इस रणनीति को प्लान किया गया था। देश के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है ताकि मैसेज बाहर वायरल ना हो। एक और आपने देखा, आईटीओ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर एक बॉडी जो रोड के बीचों बीच चौराहे पर पड़ी रहती है, वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया से समर्थन देने के लिए आता है किसान आंदोलन को, वो यहां आकर शहीद हो जाता है। एक और, देश के पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, आर्मी के जवान भी घायल होते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक और सारा का सारा किसान जो कि ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है तो दूसरी ओर जो बसों को तोड़ रहा है वो कौन है? वो उपद्रवी कौन है जो देश के किसानों के भेष में आकर देश के पुलिसकर्मियों को लाठी से मार रहा है, डंडे भाज रहा है? आखिर वो कौन है? वो पूरा देश जानना चाहता है। जब आपका कोई दोष नहीं, जब आपका कोई दोष नहीं, बताइए। वो लोग हैं जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया, वो लोग हैं जिन्होंने कई सालों तक अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, और जो मेरे देश में रहकर मेरे तिरंगे को सम्मान नहीं देता, मैं उसे सम्मान नहीं देता। और वो लोगों ने आकर किसानों के बीच में घुसकर देश के किसान आंदोलन को डिमोलाइज किया, देश के किसानों को एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। आपसे एक सीधा प्रश्न,
दो महीने रेल की पटरी पर देश का किसान, 7 दिन गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, और आज 61वां कल दिन था, आज 62वां दिन। एक बात मुझे बताइए, इन 62 दिन के चलते क्या देश के किसान ने कभी भी किसी को भी हानि पहुंचाई? नहीं। देश का किसान भारत देश की राजधानी में एंटर करता है, आपसे सीधा प्रश्न, किसके घर में लूट करी देश के किसान ने? किसकी बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करा देश के किसान ने? किसके घर के अंदर घुसकर उसकी गाड़ी को तोड़ा गया? कितने लोगों को देश के किसान ने घुसकर राजधानी के अंदर तोड़ोतारी मचाई? किस सरकारी संपत्ति को तोड़ा देश के किसान ने? आपसे सीधा सवाल, पर बताइए। पर मोहित शर्मा, मीडिया जिसका साथ है, जो है हमेशा जरूरी होता है किसी भी आंदोलन को, लेकिन वो अब आपको अंदाता नहीं कह रही है, वो अब आपको अंदाता नहीं, वो आपको उग्रवादी, आतंकी, ये कह रही है मीडिया। तो पहले कह रही थी, पहले कह रही थी कि हमें देश का किसान, थोड़ा संयम था, अरे कोई संयम नहीं था। इन लोगों को ये नहीं पता, ये वो लोग हैं। आज देश का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज दिल से, तहे दिल से, आज इस चौथे स्तंभ पर इतना थूकने का मन कर रहा है कि क्या बताऊं आपको। और आज उस समय का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम जब आजादी की जंग की हमने लड़ाई लड़ी, जब हम अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उस समय हमारे देश के अंदर आप जैसे मीडिया कर्मी, उस देश के नेशनल चैनल के मीडिया कर्मी जो देश के किसान को आतंकवादी, टेररिस्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं थे। वरना निश्चित तौर पर दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं और वाइट पेपर पर लिखकर स्टैंप लगाकर ठोक के कह सकता हूं कि ये उस समय भी अंग्रेजों के हाथों बिक जाते और भारत माँ का सौदा करा देते। ये लोग वो तस्वीरें नहीं दिखाते कि जब एक पुलिसकर्मी ऊपर बैरिकेड से गिर रहा होता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान भाई आगे आते हैं, जब एक आर्मी ऑफिसर के सर पे डंडा लगता है, उसका ब्लड बह रहा होता है, तो कैसे उसके सर पर एक सरदार अपनी पग को खोलकर, वो पगड़ी जो उसके मान सम्मान का प्रतीक होती है, उसे खोलकर उसके माथे पर लगाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी पगड़ी से भी बढ़कर उसके राष्ट्र का जवान है जो उसकी भारत माँ की हिफाजत करता है, वो अपनी पगड़ी को खोलकर उसके माथे पर लगाता है। जानते हैं पगड़ी कितने सम्मान की बात होती है देश के किसान के लिए? उसकी पगड़ी उसका आन बान शान, उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान होती है। लेकिन देश के जवान के जब माथे से लहू बह रहा होता है ना, तो वो पगड़ी को भी खोलकर उसके माथे पर लगाता है। ये तस्वीरें देश की मीडिया नहीं दिखाती, तस्वीरें ये दिखाती है कि एक गाड़ी टूट दी जाती है, ये नहीं पूछा आपने पुलिसकर्मी से कि बैरिकेड के साथ में, अरे सुनिए, कहीं ना कहीं को छोड़िए, यही की बात करिए, कहीं ना कहीं तो गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस देश के अंदर पाकिस्तान की बात, चाइना की बात, आज भारत देश के अंदर, भारत देश के मुल्क के लोग परेशान हैं। बहुत दिन आपने दिखा लिया कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को रोटी नहीं मिलती, तो यहाँ क्या शाही पनीर की सब्जी और दाल मखनी और नान मिल रहे हैं? यहाँ तो लाठी और डंडे मिल रहे हैं, और उसके साथ में गोली भी मिल रही है और आंसू गैस के गोले भी मिल रहे हैं। तो यहाँ वहाँ की छोड़िए, सिर्फ यहीं की पूछिए। और आप इस देश की मीडिया वो तस्वीरें नहीं दिखाती कि जब एक महिला पुलिसकर्मी जो कि पीछे खड़ी होती है, वो रोकने का प्रयास करती है, तो जब उसका पैर बैरिकेड के अंदर फंस जाता है तो उसको कौन बचाता है? उसको बचाने के लिए अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आता है या बराक ओबामा आता है? उसको बचाने के लिए देश का किसान आगे बढ़ता है। जब एक कांस्टेबल अपनी लाठी के साथ में बस के नीचे फंस जाता है तो उसे बचाने के लिए कोई विदेश से सरकारी मदद नहीं आती, अमित शाह अपने कार्यालय से उठ के नहीं आता, देश का किसान आता है जो उसे सहयोग करता है, मदद करता है और उसे बचाता है, जिसको आप उपद्रवी बताते हैं। और उपद्रवी वो था जब देश का पुलिसकर्मी, जब देश का पुलिसकर्मी आपने देखा बस के नीचे फंस रहा था और वो उपद्रवी बस को तोड़ रहा था, क्योंकि वो देश का किसान नहीं था। क्योंकि 60 दिन अगर देश का किसान अपनी भारत माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचता, तो मैं भी कभी देश के किसान को समर्थन देने के लिए नहीं। हम लगातार जो है उस दौरान भी बने हुए थे और लगातार 2 महीने से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चूक हुई कि आज वो जो आपके खिलाफ तो थे, चाहे वो कंगना रनौत की बात करें, संबित पात्रा की बात करें, आज उनको बोलने का मौका आपने दे दिया, आज वो आपको आतंकी क्या क्या बोल रहे हैं? अरे आप बिठाइए ना उन्हें सामने, तो ही कहीं ना कहीं सुनिए। इस देश के मीडिया पे बैठने वाले वो तमाम नेता लोग बिकते होंगे अपनी औकात के अनुसार 2,000 से लेकर 5,000 रुपए में, है तो सामने बताइए, मैं दूंगा उनको उन सवालों का जवाब। किसकी बात कर रहे हैं, किस उग्रवादी की बात कर रहे हैं? सिर्फ मात्र 10 दिन की चैट, 10 दिन की व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल रिकॉर्डिंग देश का क्राइम सेल निकाल कर दे दे दीप सिंधु की, सारा सच सामने आ जाएगा कि किसके कहने पर और किसके अनुसार उसने ये काम करा, और आखिर कैसे देश के लाल किले के अंदर जहां प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं वहां पर वो घुस जाता है। ये पूछिए ना आप,
क्यों नहीं पूछते, मात्र 10 दिन की चैट मिल जाए तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और देश की मीडिया लाख कोशिश कर ले देश के किसान को डिमोलाइज करने की, लाख और अथक प्रयास कर लीजिए, ये अन्नदाता है, था और रहेगा, आप लोग इसका हौसला कभी नहीं तोड़ सकते। जय हिंद, जय भारत। तो लगातार मोहित शर्मा से हमने अभी बातचीत की, लगातार किसानों के साथ मोहित शर्मा बने हुए हैं। वो सवाल इनसे हम पूछे जो देशवासी सच में जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, किसान की क्या राय है इसमें, जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनकी क्या राय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।